Class, today we have started from 105, page number 105, from communication by writing, reading, right? Writing has been used as means of communication for a very long time. Many years ago, people kept pigeons. They used to use the pigeons to send messages while trying, but saying letters on their legs. Later, runners were used to carry letters from place to place. Today, every country has a postal service that delivers letters. ओल्ड एज में क्या होता था, राजा रानियों के टाइम में क्या होता था, लोग पिजियन पालते थे. पिजियन मीन्स कबूतर. कबूतर की पैर में, लेग्स में टाई कर देते थे लेटर्स. लेटर्स लिख के टाई कर देते थे और उड़ा देते थे. वो लोग ट्रेंड होते थे, उनको कहाँ जाना होता था उनको पता है, वो जाके बैठते थे और जिनको वो लेटर्स लेना होता था वो खोल के ले लेते थे और अपना भी लेटर्स लिख के उनको देते थे. और उसके बाद क्या हुआ, रनर्स इन द सेंस जो चिट्ठी बांटते हैं, पियोन बोलते हैं ना, जो चिट्ठी बांटते हैं. तो पहले के ज़माने में पियोन की पोस्ट में जो काम करते थे उनको रनर्स बोलते थे. वो एक्चुअली बड़े बड़े थैला कंधे पे चढ़ा के, पीठ पे रख के, माइल के बाद माइल, बहुत दूर दूर रास्ता, दूर दूर गांव, जंगल के बीच में से नदी पार करके, बहुत टफ वर्क था. तो भाग भाग के पैदल जाते थे, हाँ, और चिट्ठियाँ पहुँचाते थे. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पोस्टल सर्विस शुरू हुई. इंडियन गवर्नमेंट ने ये पोस्टल्स पोस्ट करने के लिए, यानी एक जगह की चीज़ दूसरे जगह पे भेजने के लिए, डिलीवरी करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना लिया. उस डिपार्टमेंट को कहा जाता है पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विस, जो कि हर राज्य का, हर एक स्टेट का अपना अपना है, ठीक है. और हर सिटीज़ में, हर विलेजेस में, टाउनशिप में, सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा पोस्ट ऑफिस. और लेटर्स आर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ पोस्टल सिस्टम दैट इज स्प्रेड ओवर द कंट्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू वॉन्ट टू सेंड द लेटर. यू शुड राइट योर ओन एड्रेस टू. अब देखो, अभी के दिन में पोस्टल सर्विस की ज़रूरत उतना पड़ता नहीं है. स्टिल गवर्नमेंट की कुछ वर्क अभी भी पोस्टल सर्विस के ज़रिए ही होता है, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड बनना, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, आधार कार्ड भी बाय पोस्ट आते हैं कि आपके उस एड्रेस पे आप रहते हो या नहीं रहते हो, चेक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसी एड्रेस पे आपको भेजते. तो ऐसे बहुत काम गवर्नमेंट का आज भी पोस्टल सर्विस के द्वारा होता है. मगर पहले के ज़माने में किसी दूर रिश्तेदार से, जो बहुत दूर रहते हैं, अलग शहर, अलग देश में, अलग राज्य में, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनको कोई शादी का इन्विटेशंस भेजने के लिए या बुलाने के लिए घर के में, वैसे ही इनविटेशन भेजने के लिए जो चिट्ठी लिखा जाता था, वो चिट्ठी लिखने के लिए आपको चिट्ठी लिख के एक एनवलप में डाल के आपको उसके ऊपर जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हो उनका नेम, पूरा नेम, उनका घर का एड्रेस आपको डालना पड़ता था. और उसके साथ साथ आप भी आपका नेम और एड्रेस डालोगे, ठीक है, तभी वो लेटर एग्जैक्ट लोकेशन पे, एग्जैक्ट इंसान के पास वो पहुँचेगा. और जिनको आप भेज रहे हो, वो भी अगर आप भेजना चाहते हैं आपको लेटर आपका दिया हुआ पते पर, वो भी सेंड कर सकते हैं. तो इस तरह से लेटर भेजा जाता है. लेटर्स आर ड्रॉप्ड इनटू लेटर बॉक्सेस. ये लेटर बॉक्स यहाँ पे जाके ड्रॉप करना होता है. फ्रॉम हियर द पोस्टमैन, ये जो पियोन जो है पोस्टमैन, वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ले जाते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में. और वहाँ से सॉर्टेड अकॉर्डिंग बछाई होता है, छानते हैं, ठीक है, कि कौन सा मतलब लेटर कौन सी सिटी के लिए, अलग अलग सिटीज़ के जो लेटर से अलग कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसी सिटी में जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है, मान लो ट्रेन है, मान लो एरोप्लेन है,
उसमें करके सेंड किया जाता है। ट्रेन से भी जाते हैं कुछ चिट्ठियाँ, कुछ एरोप्लेन से भी जाते हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट हो गया, रजिस्ट्री पोस्ट हो गया, ये सारे जो है ना, तो ये किस में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, जो कि एक ही दो दिन में पहुंच जाते हैं। और नॉर्मल पोस्ट ट्रेन से जाते हैं, उसमें पहुंचने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, देन दे आर पैक्ड इनटू बैग्स मार्क्ड द नेम्स ऑफ दीज एंड सेन द ट्रेन रोड और एयर। बाय रोड भी जाते हैं, मेल वैन्स बाय रोड जाते हैं, मेल जो शॉर्ट डिस्टेंस की जो चिट्ठियाँ हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो सब वैन से जाते हैं। फ्रॉम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट द मेन पोस्ट ऑफिस। रेलवे स्टेशन में भी एक पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके अगर पोस्ट करोगे ना डायरेक्ट, तो आपका चिट्ठी बहुत जल्दी पहुँच जाता है। क्योंकि मान लो मैं नांगलोई में पोस्ट कर रही हूँ, तो वो नांगलोई पोस्ट ऑफिस से सॉर्टेड आउट होके फिर वो निकल के जाएगा रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। मैं जाके डायरेक्ट न्यू दिल्ली स्टेशन के आसपास है, तो न्यू दिल्ली स्टेशन में भी अगर ऐसे बॉक्स है, लेटर बॉक्स, वहाँ पे आकर डाल दूँ, तो वो डायरेक्ट वहीं से निकल के छाट के वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट भेज देंगे, उसमें टाइम कम लगता है। और आप अगर रजिस्ट्री पोस्ट, जैसे कि रक्षाबंधन पे मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो राखी भेजना होता है उसको मैं स्पीड पोस्ट से भेजती हूँ, वो बाय एयर जाता है, एरोप्लेन में जाता है, ताकि वो कम समय में पहुँच जाए, क्योंकि उसी समय बहुत बिजी रहता है पोस्टल सर्विस, क्योंकि हज़ारों लोग हज़ारों जगह पर अलग अलग चिट्ठियाँ भेजती है, राखी भेजती है, तो पोस्टमैन के पास काम भी बहुत होता है, तो इसलिए उस समय स्पीड पोस्ट से मैं भेज देती हूँ और वो टाइम पे पहुंच जाता है। ओके, इन द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर सॉर्टेड आउट वंस मोर एंड पुट इनटू बैग्स अकॉर्डिंग द एरियाज। द पिन कोड ऑन द एड्रेस हेल्प्स इन ग्रुपिंग। जो पिन कोड डालते हो, जैसे कि 110041, ये है आपका दिल्ली नांगलोई एरिया का पिन कोड। तो अब मैं अगर कहीं जगह पे, दूर जगह पे बैठ के दूसरे राज्य से 110049 की जो एड्रेस है मेरा नांगलोई का, वो एड्रेस मैं डालूँ, मैं पिन कोड डालूँ, तो उसी पिन कोड के लिए वो छटके आ जाए, अलग हो जाएगा। अगर मैं 110040 डालूँ तो वो दिल्ली में ही आएगा, मगर अलग जोन में चला जाएगा। 110039 डालूँ तो वो भी दिल्ली में आएगा और वो अलग जोन के लिए छाटा जाएगा, अलग जोन के लिए उसको रखा जाएगा। तो पिन कोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एड्रेस, चाहे वो आपका एड्रेस हो, स्कूल का एड्रेस हो, या आप किसी एड्रेस पे आपका लेटर भेज रहे हो पोस्टल एड्रेस के, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। टर्न पेज नंबर 106। फ्रॉम देयर यूजिंग पिन कोड पोस्टमैन चार्जेस द डिफरेंट नेबरहुड्स डिलीवर द लेटर्स। इनसाइड द कंट्री लेटर्स कैन बी रिटेन ऑन पोस्ट कार्ड्स, आइलैंड इनलैंड लेटर्स पुट इनटू एनवेलप्स। ठीक है, स्टैम्प्स आर ग्लूडेड ऑन द अकॉर्डिंग द डिस्टेंस द लेटर वुड ट्रैवल। क्या होता था पहले पोस्ट कार्ड की बहुत ज़माना थी। पोस्ट कार्ड अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम भेजते हैं, तो पोस्ट कार्ड ऐसे, मतलब जैसे कि आप कार्ड नहीं बनाते हो, ग्रीटिंग्स कार्ड, न्यू ईयर कार्ड बनाते हो, वैसे उससे भी छोटा पोस्ट कार्ड मिलता था, और वो आपको पोस्ट ऑफिस से ही ख़रीदना पड़ता था, बहुत कम पैसों में मिलता था, 25 पैसे, 50 पैसे ऐसे, और उसमें आप वो लाइट ग्रीन कलर की होती थी, लाइट ग्रीन शेड में, और उसमें आप लिख के क्या कर सकते हो, आप जाके दिखाओगे वो जो पिन कोड है, जिस एड्रेस में भेज रहे हो उस पिन कोड के अकॉर्डिंग वो लोग स्टैम्प लगा देते हैं, पोस्टल स्टैम्प। और पोस्टल स्टैम्प लगाने के बाद आप अगर लेटर बॉक्स में उसको डाल दोगे, तो वो पोस्ट कार्ड पहुंच जाएगा आपके भेजे हुए पते पर। तो इस तरह से काम होता है, पोस्ट कार्ड छोड़ के भी इनलैंड लेटर से पुट इनटू एनवेलप से, जो लेटर हम कागज़ में लिख के एनवेलप्स लिखते हैं, नहीं एनवेलप्स में डालते हैं, इस तरह की अलग अलग तरीके की पोस्टल डिलीवरी करने का जो चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठी का अलग अलग तरीका है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिट्ठियाँ होती हैं।